बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरत ने जैसे कि इब्तदाई तौर पर बताया है कि आज हम जिस किस्म के वर्कशॉप की इब्तदा करने के लिए जा रहे हैं, आमतौर पर होम्योपैथी में इसकी मिसाल पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं। ये एक अछूता सा ख्याल और अछूती सी कोशिश है, और इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है वो दारुल अंबिया तक है कि जिन्होंने इस अछूते ख्याल को रिगार्डलेस कि उनके बिजनेस के ऊपर क्या असर पड़ता है, रिगार्डलेस कि वो किस हद तक लोगों में मकबूल होता है, उन्होंने कोशिश की। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक वो कोशिश की गई है कि जिसमें हम नर्सरी डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर किसी सीजन्ड होम्योपैथ की मौजूदगी आपको नजर नहीं आ रही, ना सिवाय आपके फैकल्टी मेंबर्स। तो फैकल्टी मेंबर्स का होना इसलिए भी जरूरी है, वो आगे चल के मैं बताता हूँ। इस नर्सरी को हम जो कि अब या तो फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट कर चुके हैं और आउट गोइंग है और अपनी प्रैक्टिकल फील्ड को छूने वाले हैं, उन लोगों को हमने मौका दिया है कि वो इस किस्म के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। उमूमी तौर पर जो प्रोग्राम होते हैं वो तफरीह का जरिया बनते हैं, ये हम वो तफरीह फराहम करना चाहते हैं कि जिसमें इल्म और तफरी दोनों एक साथ हो जाए। इसमें सबसे पहली दरख्वास्त मेरी ये है कि आप ये ना समझें कि आप सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, आप सुनाने के लिए भी आए हैं, बोलने के लिए भी आए हैं और आपस में इंटरेक्शन करने के लिए भी आए हैं। लेकिन अशरफुल मखलूकात होने के नाते से हम पर ये फर्ज आयद होता है कि कुछ कवायद व ज़वाबित को फॉलो करें। इंटरेक्शन के कुछ कवायद होंगे, उन कवायद के मुताबिक ही हमने अपने आप को इंटरेक्ट करना होगा। इसमें सबसे पहला कायदा तो यह है कि आप अपने तमाम मोबाइल फोन को साइलेंट पे कर दीजिए ताकि हमें किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी ना हो, बशमूल मेरे, मैं कर चुका हूँ, अब आप लोग कर दीजिए। दूसरा ये कि आप लोग जितनी देर भी हमारे साथ बैठे हुए हैं अपने आप को हाजिर दिमाग रखें, कोशिश करें कि जो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही, आपको एक खासा जखीम सा नोट पैड दिया गया है, पेन भी दिया गया है, उस पर आप नोट कर लें। हमारी इस वर्कशॉप का जो मीडियम है वो उर्दू और अंग्रेजी जबान है, ज़्यादातर उर्दू जबान में हम बात करेंगे ताकि हम में से बहुत से लोगों को समझ में। मैं अभी बात कर रहा था फैकल्टी मेंबर्स में ज़रूरी है, तो फैकल्टी मेंबर्स इसलिए ज़रूरी है कि फैकल्टी मेंबर्स हमारी इस वर्कशॉप की कोताहियों और नक्स को नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हमें बताएंगे, और अगर हमारी बात कोई अच्छी लगती है तो उसे अडॉप्ट करेंगे और कॉलेज में निफास करेंगे। ये दोनों रेसिप्रोकल बुनियाद पर चलेंगे। वर्कशॉप कुछ इस तरह से चलेगी कि वर्कशॉप के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें बताएंगे स्लाइड्स की मदद से, और इसके बाद हम आपको बीच बीच में मौका देंगे कि आप उसमें से कोई क्वेश्चन का जवाब दें, और उस क्वेश्चन के जवाब के लिए सही या गलत होने के लिए हम आप ही में से दूसरे ग्रुप को दावत देंगे कि वो उसको दुरुस्त करें या उसकी इसलाह करें या उसको आगे बढ़ाए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पहले मिनरल साइड की तरफ जाएं, मिनरल साइड की तरफ हम देखते हैं। अच्छा, इसमें पहला सवाल भी यही आ जाता है कि आप में से कितने लोग हैं जो टिश्यू साइड, मिनरल साइड और बायोकेमिकल साइड के बारे में कोई खास किस्म का चीख रखते हैं। मैं
ग्रुप सी ग्रुप ई के में से किसी एक एक पद को कहूंगा कि वो दो अपराध दृष्टि बनाए और मुझे बताए। चॉइस आपकी अपनी है ग्रुप में से दो ग्रुप सी और ग्रुप ई। अगर इन ग्रुप में से बात नहीं बन रही तो कोई और ग्रुप में से उठ जाए, जनरली आप में से कोई भी उठ जाए तो इट्स ओके। ठीक है, अगर आप ध्यान में कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ डेवलप करें। मैं 10 तक गिनती गिनता हूँ, आप कुछ ना कुछ डेवलप करें और फिर मैं इसके तरफ इम्पॉर्टेंट हूँ वो बताए। हम यहाँ ये चाहते हैं कि हम आपके जहन में क्या पहले से नुक्ता नजर है वो जानना चाहते हैं। आप आगे अब मैं आप सब लोगों को डॉक्टर के नाम से ही पुकारूंगा, ना बेटा कहूंगा ना बेटी कहूंगा, डॉक्टर साहब आप सवाल ये क्या टिश्यू सार बायोकेमिकल सार या मिनरल के हवाले से आपके जहन में क्या ठीक हो पड़ता है? इसके बारे में मेरा ख्याल से ये वो रेमेडीज होती हैं जो कि सॉल्ट बेसिस होती हैं और हम जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी में भी सॉल्ट मौजूद है तो देखें ये बहुत हद तक दुरुस्त किस्म का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया। इसका मतलब आप जानते तो हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। हम यही चाहते हैं, वर्कशॉप का बुनियादी मकसद ये है कि आप अपने जहन में जो कुछ भी परसीव किए हुए बैठे हैं उसको आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे और किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, यही हमारे इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद है। मिनरल साल्ट के हवाले से जो कुछ हम बताएंगे वो भी आपको मददगार होगा। इसके अलावा पूरी दुनिया पूरी लाइब्रेरीज खुली हुई खुली हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं, उससे आपको फायदे होते रहेंगे। अब अगर हम मिनरल साल्ट की तरफ जाएं तो यहाँ मिनरल साल्ट या टिश्यू साल्ट के हवाले से जब कभी भी बात करते हैं तो पहला नाम हमारे सामने आता है ये शुरू का कहां से हुई वो फिर आगे लगे। देखिए पहला नाम हमारे पास डॉक्टर जर्मन डॉक्टर डब्ल्यू एच स्विट्जरलैंड का। डब्ल्यू एच स्विट्जरलैंड क्या कहते हैं, कौन पुराना है? डॉक्टर हानिमन पुराना। मैं इसी तरह अलर्ट करता रहूंगा और आपको अलर्ट रहना है, इन बिटवीन आप में से किसी को बुला भी लूंगा ताकि आप बता सकें। डॉक्टर डब्ल्यू एच स्विट्जरलैंड इसका मतलब है कि हानिमन के बाद के हैं और उन्होंने होम्योपैथी से ही ये कंसीव किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं लेकिन उन हिस्सों में कुछ कमी बेशी आ जाने पर क्या होगा, ये मत सोचिए कि फला बीमारी हो जाएगी, अभी फिलहाल वक्त नहीं है। सोचना इस बात को है आपने कि उससे होगा क्या, आपके खुलियाती सतह पर चले जाए। मेटाबॉलिज्म के हवाले से देखें
मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, खुलिय का फंक्शन बिगड़ जाएगा, खुलिय का फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव करने लगेगा। अब जब हमारा जिस्म बना हुआ ही इन्हीं चीजों से है, किस चीज से बना हुआ है हमारे जिस्म जो है, अगर सॉलिड पार्टिकल्स को देखें हम जो कि मास पार्टिकल है, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और जो ट्रेस एलिमेंट की सूरत में है या कम हिस्सा है वो हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। क्या आपको मालूम है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की मोटी मोटी सी क्या तफरीक हो सकती है? अगर किसी को पता हो लिखिए, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर कहा जाए। इसकी मोटी सी तफरीक ये समझ लीजिए कि नामियाती जब हम बात करेंगे या ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे, तो वहां पे वो तमाम सब्सटेंसेस आएंगे जहां पर हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों का एक खास किस्म का मरकब या खास किस्म की शेप या स्ट्रक्चरल जो मरकबात होंगे वो नामियाती कहलाएंगे। एंड अदर देन दिस वो हमारे लिए इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक की खासियत क्या होती है? इधर दे आर वाटर सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल। नामियाती अज्जा हमारे जिस्म में कहां से आते हैं? क्या कुदरती तौर पे वहां पे डेवलप हो सकते हैं या किसी और तरीके से हमारे जिस्म में दाखिल हो? यकीनन ये हमारी गिजा के जरिए, हमारी सांसों के जरिए और हमारी जिल्द के जरिए अंदर दाखिल हो सकते हैं। गिजा के जरिए दाखिल होने वाली मिसालें, मोटी सी मिसालें हैं, तमाम जितने भी मिनरल साल्ट्स हैं, जितने 12 साल्ट्स आप पढ़ रहे हैं, उन 12 साल्ट्स को या इसके अलावा भी दीगर और एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे हमारी गिजा के जरिए अंदर दाखिल होते हैं, उससे डेवलप नहीं होते। वो जब गिजा के लिए दाखिल होते हैं तो इसका मतलब ये कि उनकी ऊंच नीच हमारी गिजा पर भी डिपेंड करती है। नंबर एक, उनकी ऊंच नीच उस जज्ब होने के प्रोसेस पर भी डिपेंड करती है, और उस ऊंच नीच का इनसार खुलियात और गैर खुलियाती हिस्सों की आपस में इंटरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। यानी हम चले कहां से, खाने की टेबल से चले, खाया हमने, उसकी ऊंच नीच, फिर इसके बाद हाथों के अंदर जज्ब होने की ऊंच नीच, और फिर इसके बाद खुलिया और खुलिये से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर और सेलुलर, इस लेवल पर भी ऊंच नीच जो होगी वो हमारे जिस्म के अंदर कहीं पर भी कोई गड़बड़ कर सकता है। डॉक्टर शुश्लर का बुनियादी तौर पर मकसद यही था। ये जो गैर नामियाती अज्जा है इसके बारे में उन्होंने तहकीक की, और उन्होंने उस वक्त के एतबार से यह तय किया कि हमारे जिस्म में ये 12 साल्ट बड़े वाइटल पार्ट अदा करते हैं। वो 12 साल्ट क्या थे? वो 12 साल्ट वो थे कि जो इंसानी जिस्म को जला देने के बाद जो उसकी राख में से बच गए थे वो 12 साल्ट। इसका मतलब है कि वो साल्ट हमारे जिस्म में मौजूद हैं। उन 12 साल्ट की बुनियाद पर ये पूरा बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस करता है। अब थोड़ी सी हम फिजियोलॉजी की तरफ आए। हमारी कुछ किस्मती है कि आपकी फैकल्टी की जो मेंबर्स आए हैं उनमें जो उनकी जो टीम लीडर हैं वो भी फिजियोलॉजी के हवाले से आपको तालीम के दरवर से आरास्ता करती हैं, और ये हमारे लिए एक खुशाइन होगी कि वो हमारे इस लेक्चर के अंदर शरीक हैं, और जो कुछ भी हम बताएंगे उस सिलसिले में आप उनसे भी जब बाद में सवाल और जवाब करेंगे तो वो भी आपके लिए मददगार साबित होंगी, और हमसे भी जब भी इंटरेक्शन होगा तो हमारे लिए भी फायदेमंद होगी।
अब हमारे जिस्म का काम क्या होता है? कोई एक बताए। ये आपके सामने आ गया। हमारे जिस्म का काम नॉर्मल फंक्शन को बरकरार रखना और बोसीदा खुलियों के दूर करते हुए या उनको रद्द करते हुए नए खुलिया की अफजाई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे जिस्म के कामों में जो अहम काम है वो एक तो जिस्मानी हमारी जो फंक्शन है जिसमें हमारे डाइजेशन से लेकर हमारी अफकार तक जितने भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं हमारे जिस्म में नॉर्मली वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर मुस्तकिल हर आन खुलियात की मौत और खुलियात की अफजाइश होती रहती है। ये शख्स रीख का जो मामला है ये रेस्ट फ्रॉम द इंसेप्शन या कंसेप्शन से लेकर और हमारी मौत तक फिजियोलॉजिकली जारी रहता है, गो के मौत के बाद भी जारी रहता है लेकिन फिजियोलॉजिकली वो उस वक्त तक जारी रहता है। उसमें नंबर एक तो ये खुलियात अपने सही तौर पर फंक्शन करते रहे। खुलियात का फंक्शन क्या था हमने अभी डिसाइड किया था, क्या था? मेटाबोलाइज करना, चीजों को यूटिलाइज करना, चीजों को जो बाहर से आई हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना या फिर डिपॉजिट करना, वही काम है। ये जब दो काम खुलियात अंजाम देने से कासिर रहे इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई खामी आ गई और उस खामी को दूर करने के लिए हमने क्या करना चाहिए ये हम आपके पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा कि जिस्म के पोशीदा खुलियों की जगह नए खुलियात की अफजाइश नीज दूसरे मादों को फाल करने के लिए गैर नामियाती मादनी अनासिर की जरूरत पड़ती है। नामियाती मादनी अनासिर की कैसे जरूरत पड़ती? कोई है कंसेप्ट आपके जहन में? नहीं। 1 2 3 एनीवन? देखिए हमारे जिस्म में कोई भी चीज दाखिल होती है तो जज्ब होने यानी हमारे जिस्म के खाने से लेकर हाजमे या उसकी टूट फूट होने से खुलियात का हिस्सा बनने तक एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है। यानी कुछ खुलियात कुछ जो है मादनी अनासिर कुछ मादनी अनासिर को आगे बढ़ाने में मददगार हो रहे होते हैं यानी कैटलाइज कर रहे होते हैं या उसको उसको जो है फिजियोलॉजिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ अनासिर उसे रोक रहे होते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पर अगर कैल्शियम के पार्टिकल आ जाते हैं तो फिर सोडियम के पार्टिकल वहाँ से आगे नहीं बढ़ते। तो एक तरह से एक दूसरे को रोकने का काम और एक दूसरे को सहल या रास्ता देने का काम भी इंटरडिपेंडेंट होता है। ये कहलाता है कि एक नामियाती मादा दूसरे नामियाती मादे के लिए फायदेमंद होता है या फिर उसे रोकता है। मतलब उसकी मोटी सी मिसाल अगर नामियाती और गैर नामियाती हवाले से बात कर लें या सिर्फ नामियाती हवाले से बात कर लें और विटामिन और मिनरल्स के हवाले से बात करें तो हमारे सामने एक मोटी सी मिसाल आती है कि विटामिन डी हमारे आंतों से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता तब वक्त के कैल्शियम की सपोर्ट ना हो और कैल्शियम हमारे जिस्म में मौजूद होता है लेकिन उसका मॉलिक्यूल जो है वो उसी सूरत में पासान होकर हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है जब कैल्शियम हमारे साथ अटैच हो जाता है। पर अगर अगली बात कहें कि ये सब चीजें
यानी गैर नामियाती मादनियात की कलील मकदार खून के तमाम हिस्सों तक पहुंचती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बालों से लेकर मुंह, नाखून, जिल्द और अंदरूनी आजाद तक तमाम हिस्सों तक तमाम नामियाती अज्जा पहुंचते हैं, जिसकी जहां जहां जैसी जरूरत है उसके मुताबिक वो पहुंचते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां पे रोक दिए जाते हैं, तो ये पूरे जिस्म में पहुंचती है। अगर इन नामियाती इन मादनियात की जरूरी मकदार ना हो तो खुलिया की तामीर का अमल, तामीर नौ का अमल धरम भरम हो जाता है और नतीजा सेहत की खराबी में सूरत जाहिर होता है। अब कोई एक मोटी सी मिसाल इन साल्ट्स के हवाले से, जिसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, कार्बोनेट्स है, फॉस्फेट्स हैं, इस हवाले से कोई बात मुझसे करेगा कि किसी एक चीज से ये हो जाता है, ये करना हो तो ये हो जाए। नोट, एक आम सी बात कर रहा हूं मैं, फर्ज कर लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम हमारे जिस्म में नहीं पहुंचा, क्या होगा? एक ओनली वन एनी वन हैंड रेस कर ले, आ जाइए, बोन्स वीक हो जाएंगी। क्यों? कोई और? नॉट नेसेसरी यू, तो कोई और? आपके एक साथी ने बताया कि कैल्शियम अगर हमारे जिस्म तक ना पहुंचे तो बोन्स वीक हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ आवर बोन इज कैल्शियम, बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, तो इसलिए अगर वो ही नहीं होगा, यानी ब्लॉक्स ही नहीं होंगे, तो किस तरीके से वो तामीर हो सकेगी और सेहत की खराबी इस तरह से डेवलप हो सकती है। वाज़ह रहे कि अभी हम साल्ट में से किसी साल्ट के ऊपर, किसी एक साल्ट पे गुफ्तगू नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बायोकेमिक साल्ट किसे कहते हैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, और अपनी जहन को इस हद तक ही महदूद रखिए। साइंस के इस उसूल को, कौन से उसूल को, जो शुश्लर ने बताया कि गैर नामियाती फाल मादनियात की कलील मकदार खून में जिस्म के तमाम हिस्सों तक अगर ना पहुंचे अपनी किल्लत की वजह से या किसी और वजह से, तो उस सूरत में धरम भरम हो जाता है हमारे जिस्म का निज़ाम, और फिर इस साइंस के इस उसूल को बायोकेमिस्ट्री या जिंदा बाफ्तों की केमिस्ट्री कहा गया। यहां पर आकर हमने उसकी तारीख मुकम्मल की है कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं। अगर इस मौके पर मैं आप में से किसी एक को कहूं कि क्या पाया, कोई जवाब दे। देखें, वर्कशॉप का मतलब ये नहीं है कि आप सुने, ताली बजा दें, नहीं, वर्कशॉप किस्म की क्लास होती है। हमने गुफ्तगू में जो कुछ सुना उसमें क्या पाया, ये मेंटली मैं प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आगे भी इसी तरह से सवाल जो है वो हो, हम जायजा लेते रहें अपने आप का कि हम कितना समझ पा रहे हैं। कोई एक आप में से, कोई एक हमने ये पाया कि हमारा जिस्म नामियाती और गैर नामियाती अज्जा से मिलकर बना है। देखें, बुलेट्स में आप जो है वो अपने जहन को तैयार रखें, अगर आप बुलेट्स में रखेंगे और आप बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव अंदाज में अपने जहन को तैयार करेंगे तो शायद इसमें कामयाबी ना हो। बुलेट्स में रखें या उनके पॉइंट्स में रखें कि पहला पॉइंट ये था कि हमारा जिस्म किस चीज़ से बना हुआ है, नामियाती और गैर नामियाती अज्जा से, हमारे जिस्म का बड़ा हिस्सा नामियाती अज्जा से मुरतसम है, और बाकी इसके इस फंक्शन को फाल रखने के लिए हमारे
जिस्म में जो गैर नामियाती अज्जा हैं, गैर नामियाती अज्जा किसे कहा था हमने कि वो अज्जा जो कि गैर नामियाती ना हो, या फिर जो है वो अज्जा जो कि तमाम पार्टिकल्स को या तो हमारे जिस्म में हल पजीर होते हैं, यानी पानी में हल पजीर होते हैं, या फिर नॉन सॉल्युबल होते हैं, उन अज्जा से मिलकर बना है, और हमारे सेल का फंक्शन इन्हीं कलील किस्म की गैर नामियाती जो अनासिर हैं इन्हीं की बदौलत उसका फंक्शन जारी और सारी है। और अगर वो जारी और सारी ना रहे या उनकी किल्लत हो जाए तो उस सूरत में क्या होगा कि वो उनका अपना निज़ाम भी धर्म भरम होगा। जब एक खुलिया का निज़ाम धर्म भरम होता है तो पूरे सिस्टम पर उसका असर पड़ता है और हमारा निज़ाम जो है वो बीमार होने लगता है, जिसको हम बीमारी कहा। और हमने इस सारे अमल को, जिस अमल को स्विचलर ने बयान किया था, उसको हमने साइंस के इस उसूल को बायोकेमिस्ट्री यानी जिंदा बाफ्तों की केमिस्ट्री का। इज इट क्लियर? अब मैं आप में से कोई बोल, ताहाल शायद ऐसे नहीं गई। अब ये होगा कि मैं किसी को भी खड़ा करूंगा, कहूंगा कि ठीक है आप आ जाइए और बोले। असल में वर्कशॉप का जो बुनियादी मकसद है वो तो है ही एक्टिविटी। अगर एक्टिविटी नहीं हुई तो वर्कशॉप का मकसद खत्म हो जाता है, फिर तो वो एक सेमिनार है, एक तकरीर है, तकरीरी प्रोग्राम है, ये है, या एक लेक्चर दे दिया, इसके बाद किसी ने समझा ना समझा बराबर हो गया। वर्कशॉप में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे उस वक्त तक वर्कशॉप वर्कशॉप नहीं रहेगा। इसको आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं, मुमकिन है आगे आपकी हिम्मत आ जाए, हौसला बन जाए। अच्छा, इस हवाले से जब डॉक्टर स्विट्जरलैंड ने ये बात कह दी कि जिंदा बाफ्तों की केमिस्ट्री जो है वो बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी में फर्क क्या है? क्या ये दो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है या दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं या दोनों मुतफर्रिक है, नहीं दोनों में फर्क है? या वहीं से बता रही बता रहे इनके बात को सुनेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बात गलत की तो जवाब दुरुस्त आपने करना है। जी सर, जिस तरीके से हमारा होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है, जो मेडिसिंस हैं वो उसकी जो यानी कि इंसान में जो डिजीज होती है उसी को उसी तरह के वो जो है इफेक्ट पैदा करते हैं जो कि बीमारी में जो है गालिब आ जाते हैं जिस्म पर। इसी तरीके से सॉल्ट्स का भी कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे जिस्म में जो कमी ही वाक्य हो जाती है उन सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी की वजह से या जो ज्यादती की वजह से असरात रुनमा होते हैं जिस्म पर, तो उसको वो जो है ट्रीट करता है। दैट्स व्हाई ये रिलेटेड। क्या ये दुरुस्त कह रही बैठे? आप में से या तो इनकी दुरुस्तगी करें या फिर बोल दें कि हाँ ये दुरुस्त कह रही। मुझे आपको बुलवाना है वरना मेरे आने का मकसद खत्म हो जाता है। क्या इन्होंने जो बताया कि होम्योपैथी में ये होता है कि बीमार हो जाता है और फिर इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में भी बीमार हो जाता है, दोनों में ही बीमार हो जाता है, वो बात दुरुस्त कही गई? आप बात को रिपीट कर दीजिए अगर मैंने गलत कहा है। मेरा मतलब ये था कि जैसे हम होम्योपैथिक मेडिसिन इसी बेसिस पर देते हैं ना, कि वो जो मेडिसिन होती हैं वो एक हेल्दी पर्सन में जो इफेक्ट्स मतलब शो करती हैं, जो सिम्टम्स आते हैं वो जब एक बंदा बीमार होता है तो उसको क्योर करने का काम करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके ख्याल में होम्योपैथी जो है वो सिविलिया से
से सर मेरा कहना ये है, सॉल्ट जो है हमारे बॉडी में जब फंक्शन बिल्कुल ठीक ठाक हो रहे होते हैं, सॉल्ट अपना काम सही कर रहे होते हैं, उसकी कमी या ज्यादती नहीं होती है, तो जब सॉल्ट की कमी हो जाए जैसे हमें या वो ज्यादा हो जाए ज्यादा से ज्यादा, तो जब डिस्टर्बेंस होती है बॉडी में उसको जो है रिलीफ करने के लिए इन सॉल्ट को ही अगर यूज कराया जाए तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होता है। इसी बेसिस पे इन्होंने दो बातें की है, क्या क्या कोई बयान कर सकता है आपको समझ में आई? जी हाँ रिपीट कर दें ताकि हमारी बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं उनकी कमी की वजह से कमी के लिए जो है बायोकेमिकल यूज किया जाता है, अदरवाइज जो हमारी दवाइयां होती हैं अगर हम बीमार होते हैं तो दवाई दवाई लेनी पड़ती है। ये डेफिशिएंट इंग्रेडिएंट की बात हो रही है। डेफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स होंगे, डेफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स होंगे उनकी कमी को पूरा करेंगे तो बायोकेमिक कहेंगे और सिविलियन सिविलियस करंट होगा तो उसे होम्योपैथी कहेंगे। यानी कोई चीज का भी तो उसको पूरा कर दिया तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। इसकी राइट बैठ जाएगा, बहुत अच्छी बात है आपके शरीर की, और ये पार्टिसिपेशन ही गलत सही की बात नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई मुस्कुराने वाला है ना ही कोई आपको जो है वो हंसने वाला है, यहाँ पे सब के सब एक जैसे हैं, मशगूल रहे, मैं भी उतना ही अतना तालिब इल्म हूँ जितना क्या आप मुझसे ज्यादा पढ़े हैं, आप लोग बिल्कुल शरीफ हूँ, ये ना हो खामोश ये ना क्या है। इन्होंने जो बात की एक जो है सिंगलीट को फॉलो करते हैं और एक डेफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करते हैं, शॉर्ट यही बात कही आपने, ये इनकी बात को कोई तौसीफ करेगा या इनकी बात में इजाफा कोई करेगा? देखें हम वो फोरम आपको फराहम कर रहे हैं जहां पर आपको बाज़ाब्ता तरीके से एक दूसरे को अपनी इल्मी सलाहियतों को बताने का मौका फराहम है। इस फोरम पर आपको अपनी इल्मी सलाहियतें उजागर करनी है। जी इनकी बात को कोई आगे बढ़ाएगा? जो उन्होंने बात की पहले, इन्होंने बात की ग्रुप नंबर ठीक है इस टेबल पे जो है ग्रुप, उसने फिर आपने बात की, अब इसके बाद कोई बात रह जाती? थोड़ा सा अब इन दो बातों को आपस में मिलाइए और इस बात को सामने रखिए कि साइंस के इस उसूल को बायोकेमिस्ट्री यानी जिंदा बाफ्तों की केमिस्ट्री कहा गया है। अब इसको मिक्सअप कीजिए और फिर कंक्लूड कीजिए कि क्या कहना चाह रहे थे आप लोग और क्या कहा। अगर ये अलग अलग हैं तो फिर आपको क्यों पढ़ाई जाती है होम्योपैथी के साथ? नहीं मानूंगा ठीक। असल में ये साथ इसमें कोई शक नहीं, अब मैं बात आपको रिलैक्स हो जाए, सवाल नहीं पूछा लेकिन ध्यान रखिए इसमें कोई शक नहीं कि बायोकेमिस्ट्री या शुश्लर की बायोकेमिक साल्ट और होम्योपैथी BHMS में पढ़ाए जाते हैं। क्यों पढ़ाए जाते हैं? ये कानूनी रिक्वायरमेंट, कानूनी रिक्वायरमेंट इस हवाले से है, हालांकि दोनों अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एक सिस्टम थेरेप्यूटिक सिस्टम है और एक पूरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी एक वास्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसमें बहुत सारी चीजों को कवर किया जा सकता है, लेकिन सुश्लर की थेरेपी बहुत सारी डे टू डे तकालीफ को न सिर्फ दूर करने में मदद देती है बल्कि उनको रोकने में मदद देती है। इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है डॉक्टर सुश्लर का पॉइंट ऑफ व्यू
होम्योपैथी के हवाले से एक जगह पे जाके मिलता है, वहां पर आकर दोनों यज्ञा हो जाते हैं, वो है सीरियल डाइविशन। आप में से फार्मेसी की भी आपके टीचर बैठी हुई है, ये यकीनन आपकी इस बात को तौसीक करेगी कि सीरियल डाइल्यूशन होम्योपैथी का जो आशारी डाइल्यूशन है या डेसिमल स्केल है, वही डेसिमल स्केल शुश्लर ने अडॉप्ट किया। और चूंकि बहुत सारे साल्ट पानी में हल पजीर थे ही नहीं, इसलिए ट्रिचुरेशन का सहारा लिया गया। ट्रिचुरेशन किसे कहते हैं? नहीं, ये तो बात नहीं, चौपाल तो हमने नहीं बनाना, हमने तो एक वर्कशॉप है ना, तो वर्कशॉप में तो पहले हैंड रेस करना है, हैंड रेस करना है, इसके बाद आपने बात करनी है। तो आपके अलावा कम बोल रही हैं, बाकी पार्टिसिपेंट कम बोल रहे हैं, तो बहरहाल आपकी स्कोरिंग तो अच्छी हो रही है, लेकिन दूसरों की स्कोरिंग कम क्यों है? मैं चाहता हूं कि दूसरों की स्कोरिंग भी एक दूसरे से बढ़कर हो। तो टिचुरेशन के हवाले से मैं फिर पॉइंट आउट करूंगा कि कोई और भी बयान कर दे कि टिचुरेशन किसे कहते हैं, आप बयान कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब, आप रोक देंगे इन पे, दूसरे को मौका दे दें, कोई और इनकी बात को आगे बढ़ाएगा। ठीक, ओके, अपने जहन को ज्यादा परेशान ना करें, इजी, वेरी इजीली लें इस चीज को और सोचेंगे आपका जवाब खुद ब खुद आपके जहन में आ जाएगा। सिर्फ आपको बोलना है, कम्युनिकेट करना है, और अच्छे लफ्जों में कम्युनिकेट करेंगे कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिचुरेशन के बारे में हम बता दूं कि ट्रिचुरेशन असल में पीसने का अमल है, सिर्फ डाइल्यूट करने का एक ऐसा अमल जिसको कि खास शक्ल में यानी तीन हिस्सों में तकसीम करके इसलिए करते हैं कि वो वेल डिजॉल्व हो जाए, उसकी जो एक पिंच ऑफ पाउडर के अंदर जो क्वांटिटी है उसकी रेशियो और बाकी हिस्सों का रेशियो सेम, ट्रिचुरेशन इस होमोजीनस जो है मिक्सचर का नाम है, यानी एक जैसे यक्षा किस्म के जो होमोजीनस, मेरा ख्याल लफ्ज़ इस्तेमाल आपने पढ़ी होगी कि उसके छोटे से छोटे हिस्से में भी वही रेशियो पाया जाए जो कि बड़े हिस्से में पाया जाता है, वो होमोजीनस हो गया। तो होमोजीनस हो जाए उसे ट्रिचुरेशन कहा गया, उसका एक तरीका बना दिया कि उसके तीन पार्ट बना दिए जाते हैं, पहले में ओरिजिनल सब्सटेंस मिला दिया जाता है, फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और फिर फर्दर इसी तरह उसमें से एक हिस्सा लेकर नौ हिस्से लैक्टोज में मिला दिए जाते हैं। ये तो हो गया टिचुरेशन। टिचुरेशन की हद तक बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसन होम्योपैथी के सिमिलर है, लेकिन उसकी अपनी थेरापेटिक वैल्यू वो होम्योपैथी से जुदा करना है। होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर पे अमल करती है, ये जो है वो सॉल्ट्स और हमारी फिजियोलॉजी से एक खास रिलेशन में काम करती है। कमी पेशी का लफ्ज में यहां इस्तेमाल बवजू इस्तेमाल नहीं कर रहा,
कि एक खास रिलेशन में वो काम करेगी कि वो तमाम साल्ट्स जो बायोकेमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं, वो साल्ट्स हमारे जिस्म में सिर्फ कमी को दूर करने के लिए नहीं है, सिर्फ ज्यादती को दूर करने के लिए नहीं है, बल्कि वो को फैक्टर के तौर पर भी, को एंजाइम का नाम तो सुना होगा आपने, लेकिन ये को फैक्टर है। को एंजाइम की खास शक्ल होती है, एंजाइम का मतलब वन विच कैटलाइज दी एक्टिविटी, जो अमल को तेज कर दे वो क्या कहलाता है, कैटलिस्ट। और एंजाइम ऐसे कैटलिस्ट काम करते हैं कि खुद शरीक नहीं होते उस अमल में, लेकिन अमल को तेज कर देते हैं। लेकिन ये को फैक्टर है, ये खुद भी अमल करते हैं और कुछ अमाल को तेजी भी या उसमें शिद्दत भी ले आते हैं। ये बायोकेमिस्ट्री की बुनियादी तौर पर होम्योपैथी के हवाले से तनाजुर में एक तफरीक नजर आ गई आप आपके सामने। अब डॉक्टर स्विट्जरलैंड ने जो है वो आगे पांच उसूल वजह किए। वो पांच उसूल क्या थे, पढ़ लिया ये आपने। पहला उसूल, अगर सेल मेटाबॉलिज्म नॉर्मल हो तो बीमारी नहीं होती। देखो वहीं पे बात आ गई, फिर मेटाबॉलिज्म का नाम आ गया। मेटाबॉलिज्म को बयान कर चुके हैं, कितने लोगों के जहन में रहा, खुद से हाथ उठाएंगे या मैं किसी की तरफ इशारा दूंगा। चलें इस पहले पॉइंट तक मैं छोड़ देता हूं। ये मेटाबॉलिज्म उस अमल को कहा गया कि जब हम हमारे जिस्म में दाखिल होने वाली ग़िज़ा इस्तहाली के जरिए एनर्जी के लेवल तक पहुंचती है या डिपॉजिट के लेवल तक पहुंचती है, किसी भी शक्ल में उसकी कन्वर्जन होकर, उसको इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा गया। एक मोटी सी जबान जो कि बच्चों की कहानियों में सवाल हो सकती है वो बता रहा हूं। क्या काम है, सर हमारे बॉडी में फूड इंटर होने से लेके उसकी मतलब पीसेस की सूरत में निकलने तक का जो पूरा प्रोसेस है, यानी मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करना, ये पूरा प्रोसेस जो है ना मेटाबॉलिज्म के बाद, ये डाइजेशन नहीं कहलाता। कोई और मेरी भी जो है वो इस्लाह कीजिएगा कि मैं इनकी बात को थोड़ा इख्तलाफ करते हुए इसको डाइजेशन कह रहा हूं, अगर कोई बात है तो बताइएगा। तमाम डॉक्टर साहिबान से दरखास्त है कि वो अपने दिमाग को, कान को और आंखों को खुला रखें। आप किस बात को थोड़ी सी मैं नस्तालिक जबान में इस्तेमाल कर दूं तो ये होगा कि खुराक का जिस्म में एनर्जी के लेवल तक पहुंचने तक का जो अमल है वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, इज इट क्लियर या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो रेज कर दें, आगे फिर मेटाबॉलिज्म आ रहा है, क्वेश्चन रेज कर दें अगर नहीं हुई, आगे फिर मेटाबॉलिज्म बार बार तस्करे में आ रहा है।